देखिए हम सब उत्साहित हैं, सालों से नंदी बाबा जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो बाबा प्रकट हुए हैं और कल पूर्णिमा के दिन बाबा का प्रकटोत्सव हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और निश्चित रूप से आक्रांताओं ने जिस प्रकार से हिंदू मंदिरों को चोट पहुंचाते हुए ऐसे कृत्य किए थे, अब उसकी परतें खुलना शुरू हो गई हैं। परंतु ओबीसी जैसे लोग तथ्यों को नकारते हुए तुष्टीकरण की राजनीति को इस देश में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे तत्वों को चेतावनी देना चाहता हूं, जब इतिहास में कुछ गलत हुआ है, अनर्गल हुआ है, तो लोगों को उसको ठीक करने का मौका भी मिलना चाहिए। दुनिया का हर देश अपनी संस्कृति को बचाने का काम करता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसे जयचंद अभी भी हैं जो कि हमारे इतिहास में जो चोट हुई है यदि उस पर मरहम लग रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। और आश्चर्यचकित बात यह है कि अपने आप को हिंदू प्रकट करने वाले वो राहुल गांधी अब कहाँ गायब हो गए। कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर त्रिकुंट लगाकर शिव भक्त बनने वाले राहुल गांधी कहाँ हैं। वो जब मस्जिद में बाबा भोले प्रकट हुए हैं तो उन पर सांप क्यों सूंघ गए हैं, उनका ट्वीट क्यों नहीं आ रहा, कांग्रेस के एक नेता का ट्वीट नहीं आ रहा, और उसके विपरीत जाकर चिदंबरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्ञान वापी में जो सर्वे हुआ है वो गलत हो रहा है। इसका मतलब कि कांग्रेस अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता से ऊपर नहीं आ रही, ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं प्रफुल्लित हूँ कि सच सामने आया है और ये सुनिश्चित हुआ है कि नंदी का इंतजार अब समाप्त हुआ, बाबा प्रकट हुए हैं। देखिए जब भी भारतीय जनता पार्टी गरीब जनता के हित की कोई योजना लाती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति नेहरू के समय से रही है कि केवल नेहरू परिवार और कांग्रेस के गुर्गे ही सरकार का फायदा लें। पर भारतीय जनता पार्टी आम जनता और गरीब जनता के घर में हरियाली और खुशहाली लाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस कितना भी प्रयास करे, कितनी भी अनर्गल हरकतें करे, हम जनता का लाभ देंगे और हम गरीब जनता के लिए हमारे खजाने की को खोल कर रख देंगे। संबल योजना गरीब जनता के घर में खुशहाली लाने का बहुत बड़ा प्रकल्प है। कांग्रेस कितनी भी विरोध करे, संबल योजना चलेगी और गरीब को उसका लाभ मिलेगा। हिंदू विरोधी मानसिकता तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वो हर समय अनर्गल बयानबाजी करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वो राष्ट्रदेव द्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो हर समय वो बात करते हैं जिससे विघटन पैदा हो, वो अपने आप को तुष्टिकरण की राजनीति का मसीहा बनाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ये अनर्गल काम ना करें, मध्य प्रदेश की आवो स्थिति, मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता, मध्य प्रदेश में हर धर्म और के लोगों में एकता के लिए वो प्रयास करें, ना कि उसमें विघटन की बात करें। बिल्कुल आएगा, देखिए अब तो धीरे धीरे सभी चीज़ें सामने आएंगी। और मैंने जैसा कहा कि दुनिया का हर देश, हर संस्कृति, हर सभ्यता अपने इतिहास में यदि कहीं कुठाराघात हो गया है तो उसको ठीक करने का अधिकार रखती है, और ये अधिकार हिंदुस्तान की जनता को भी है। ये हिंदू और मुसलमान का बात नहीं है। यदि आक्रांताओं ने, यदि औरंगजेब ने अपनी हट धर्मिता के कारण हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किया था तो निश्चित रूप से वो ठीक होना चाहिए। जनता के सामने, हिंदुओं के सामने सच आना चाहिए। हमारे आराध्य यदि कैद में हैं तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अब ये स्थिति बनी है कि इस तरह से जो
इतिहास में कुठाराघात हुआ था वो अब ठीक हो रहा है, पर ओवैसी जैसे नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अनर्गल बातें करते हैं, असंवैधानिक है। वो कोर्ट की बातों को भी असंवैधानिक बता रहे हैं, पर इससे ज़्यादा पापी कांग्रेस के नेता हैं जो इस पूरे मामले में आप साफ सूंघ गया। एक कांग्रेस के नेता का बयान नहीं आया। मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूँ, आप बहुत बात करते हो गंगा मैया की पूजा और अर्चना, उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी कर रही थी, मध्य प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी ने त्रिकुंड लगाकर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को शिव भक्त होने का प्रमाण देने की कोशिश की थी। अब कहाँ गए वो शिव भक्त राहुल गांधी? अब कहाँ गए दिग्विजय सिंह जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ? अब कहाँ गए कमलनाथ जी जो कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ? अब कहाँ गए वो कांग्रेस के नेता जो चुनाव के वक्त हिंदू होने का नाटक नौटंकी करते हैं? ज्ञान वापी के सर्वे के बाद जो तथ्य सामने आया है उससे हमारे इतिहास में जो अनर्गल हुआ है वो तो ठीक होगा ही, उसके साथ ही कांग्रेस जैसे तथाकथित हिंदुओं का भी कलई खुली है जो केवल वोट के लिए हिंदू बनते हैं, मानसिकता हिंदू विरोधी है। सर, जो आप कह रहे हैं ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, जो मुस्लिम पक्ष के वकील है वो कह रहे हैं कि वो तो फव्वारा है, वजू होता है वहाँ पे, वो फव्वारा कैसे? अब देखिए ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में सब कुछ आ जाएगा, पर जिस प्रकार से कोर्ट ने कल उस क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश दिया है, यही इस बात को प्रकट करता है कि वहाँ भोले प्रकट हुए हैं। अब ऐसे दावे प्रत्यावे तो बाबरी के समय भी किए गए थे, वहाँ भी कोर्ट ने कलई खोल दी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। देखिए हम सब उत्साहित हैं।